आओ आओ हिम्बीरो आओ आओ। ये झील को आगे कुछ मलबा फंसा हुआ तो इसको हमारे हिमवीर साफ करते हुए ताकि थोड़ा पानी का बहाव और हो जाए और पानी स्पीड से नीचे को जाए। ये हमारे हिमवीर काम कर रहे हैं। हमारे हिंदी इसके झील के मुहाने में थोड़ा पानी के बहाव को जो रुका हुआ है जो मलबा को साफ करते हुए करो कम कर दो कम हिल रहा है वो हिल रहा है बढ़ रहे वापस आओ वापस वापस हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पानी बढ़ भी सकता है और दिन का टाइम है क्योंकि दिन का टाइम पानी बढ़ता है करते हुए ये वापस आ रहे हैं। सामने हूँ और ये दलदल है, इसमें पाँव रखते हम फंस रहे हैं, इसलिए मैं ये जो पेड़ कटे इनके ऊपर खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे पूरा झील दिख रहा है जिसकी चौड़ाई लगभग 200 से 250 मीटर हो सकती है, लेकिन पीछे जाते जाते वो उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ पे गहराई नापना पॉसिबल नहीं है। हम आज 17 फरवरी के पूर्णिमा से हम इस जगह तक पहुंच सके। यहाँ पर पहुंचना बड़ा
मुश्किल है क्योंकि ये दलदल अभी भी 7 तारीख की तरह ही है। इसमें बिल्कुल पांव रखते ही हम धंसे हैं। हम यहाँ से पार जाने का कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम बैंक गांव जाते हुए वापस रैली जाएंगे और रैली से मुरना जाएंगे। लेकिन मुरना से यहाँ पर आना कुछ पॉसिबल नहीं लगता है। तो हम 5 लोग अभी बिल्कुल झील के सामने हैं और झील अपने बहाव को लगातार बनाए हुए हैं, जैसे कि कोई बाल्टी पूरी भर जाती है और उसके ऊपर से वो बाल्टी से पानी निकलता रहता है। इस तरह से नदी बहकर लौटी गाड़ में मिल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ITDP। ब्लू लेक ऑपरेशन तकरीबन दोपहर के 11 बज चुके हैं और हमारे प्रथम वाहिनी के सहायक सेनानी बुटुला साहब के नेतृत्व में 1-4 प्लस हमारे लोकल गाइड हमारे साथ मौजूद हैं। अब अभी हम जो है झील के बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से तकरीबन झील लगभग 10 मीटर नज़दीक है और ये देख सकते चारों तरफ झील के चारों तरफ का जो है सीनरी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपदा आई थी वो जो मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में दिख रहा है सामने उसी से अंदर से आया है, लेकिन इसने इतना बैग मारा है यहाँ पे जो कि झील बन चुकी है उस मलबा से। लेकिन झील में जाना बहुत ही रिक्सी काम है, अभी पूरा दलदल हो चुका है अभी, लेकिन कहीं से जाने का फिलहाल तो अभी रास्ता है नहीं, लेकिन हमारे सर्च दल अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या पता कहीं सुराग मिल जाए अंदर तक जाने का।